अगर आप सभी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और आपका एज 60 वर्ष प्लस हो चुका है और आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इस स्थिति में आप अपनी पेंशन की पेमेंट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट अभी तक मिल चुका है और आगे आने वाले कितनी पेमेंट्स आपकी पेंडिंग है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पेमेंट स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। अगर आप यहाँ पे अपनी पेमेंट स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में 3 में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स की होनी आवश्यकता है। जैसे यदि आपने पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी आईडी मिला होगा। अगर आपके पास में बेनिफिशियरी आईडी नहीं है तो एप्लीकेंट का यानी आधार कार्ड नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर ये भी नहीं है तो आप अपनी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से यानी इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट के आधार पर आप अपनी पेंशन पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी पेंशन की पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए गूगल में आप सर्च करेंगे इंडिया जॉब रिजल्ट, पहले नंबर पर आपको ये वेबसाइट्स मिलेंगी indiajobresult.in, जिसे आप ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में इसकी इंटरफेस इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सर्च आइकन दिखाई दे रहा है, या फिर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, या फिर आपको अन्य तरीका भी है, आप यहाँ से स्क्रॉल करते हैं पेज को तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा ई लाभार्थी पेंशन पेमेंट स्टेटस, जिस पर आप क्लिक करेंगे। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में पेज को सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। पेज को नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जिसमें आपको मिल रहा होगा डायरेक्ट लिंक टू चेक पेंशन पेमेंट स्टेटस। यहीं से आप अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। स्टेटस को चेक करने के लिए इसके सामने जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से सन का पैसा चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर 2021 से 2022 का और 2022 से 2023 का आप देख सकते हैं, तो मैं लेटेस्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में आपको अपनी बेनिफिशियरी आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, पहला कि बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास में अवेलेबल है तो इसकी मदद से आप अपनी पेमेंट की स्टेटस को चेक कर पाओगे। मैंने अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको खाली बॉक्स जो दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, अपनी अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे जिस अकाउंट में आप अपनी पेंशन की पेमेंट को रिसीव करते हैं, और लास्टली आपको सर्च आइकन पर क्लिक करना है। अब जैसे आपने सर्च आइकन पर क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जितना भी आपका पर्सनल डिटेल्स रहता है वो आपको दिखाई देगा। लाभार्थी संख्या जो है वह भी आपको यहाँ पे लाभार्थी संख्या दिखाई देता है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, किसके नाम से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपको KYC करनी है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देखोगे लिख रहा है लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है, यानी इस व्यक्ति को यहाँ पे अपनी KYC को कम्प्लीट करना होगा जिससे कि यह पता चल पाए कि यह व्यक्ति अभी जीवित है। अपनी पेमेंट स्टेटस देखने के लिए पेज नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको वित्तीय वर्ष आपने जो सिलेक्ट किया होगा वह दिखाई देगा, रजिस्टर संख्या, लाभार्थी संख्या और योजना का नाम, जैसे मैंने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बोला तो यहाँ पे वो चीज दिखाई दे रहा है, लाभार्थी का नाम क्या है और उनके फादर्स या फिर हस्बैंड का नाम जो भी रहेगा, किस माह का आप पेमेंट चेक कर रहे हो तो यहाँ पे वो भी चीज दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लेटेस्ट वाला है सितंबर, और किस माह तक का है तो अप्रैल तक का, ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर से अप्रैल तक का आपका 1200 रुपए का रकम आपको प्राप्त हुआ है, कौन से डेट में मिला है तो यहाँ पे आप डेट भी देख लोगे। भुगतान की स्थिति में सक्सेस दिखाई दे रहा है। आप सबसे नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वाला दिखाई देगा, जैसे इनको मार्च का पेमेंट रिसीव हुआ है, 400 रुपए मिलता भी है, और जैसे अगर किसी महीना का आपका पेमेंट लंबित हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है, तो वह पेमेंट और आपका करंट मंथ का पेमेंट जो है दोनों को साथ मिला करके आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं, जैसे वहां पे आपको 1200 रुपए देखने को मिला था। यहां पे आप देखेंगे यह पेमेंट कब मिला था, 17/3/2023 को, यह भी पेमेंट सक्सेस है। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग है तो आपको इंतजार करना होगा, तो यहाँ पे आपको इंतजार करना होगा, जैसे ही वह सक्सेस होगा तो आपके अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपनी पेमेंट की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।